बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फारूक जावेद फ्रॉम जे एस एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मकान दिखाने जा रहा हूँ B17 डी ब्लॉक में, ठीक है। इसकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पे है और प्राइस इसकी बहुत ही मुनासिब है। पूरे B17 में इंतहाई सस्ते रेट पे जो है ना वो एक मकान था जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है मैं मकान की वीडियोस बड़ी कम बनाता हूं, लेकिन जब जो मुनासिब चीज़ आती है तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो इस मकान को अगर आप देखें, ठीक है, इसका फ्रंट एलिवेशन बहुत प्यारा है और इसकी जो है ना ये 40 फीट रोड के ऊपर जो है ना ये लाई करता है। इसके सामने भी घर बने हुए हैं, इसकी बैक साइड पर भी अगर देखें काफ़ी घर वगैरह बने हुए हैं। तो ये टोटल जो है ना 35-70 साइज़ है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है ना ये घर बना हुआ है। आए आपको चेक करवाते हैं। इसका अगर आप गेट देखें, स्लाइडिंग गेट है, ठीक है, और जो है ना आजकल आपको पता है लेटेस्ट स्टैंड पे जो है ना वो स्लाइडिंग गेट ही यूज़ होते हैं। अंदर अगर आप इसको देखें तो कार पोर्च है, इसके अंदर आपकी ईजीली जो है ना वो दो बड़ी गाड़ियाँ और एक साथ में छोटी गाड़ी भी आराम से पार्क हो सकती है। और इसके अलावा दरवाज़ों वगैरह का काम आप देखें, बड़ा अच्छा है इन्होंने किया हुआ है। और इसमें ये इसका टीवी लॉन्च है और काफ़ी बड़ा जो है ना टीवी लॉन्च है। आजकल आपको पता है कि जो नए ट्रेंड पे घर बन रहे हैं उसमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल किया जा रहा है कि ज़्यादा कमरे ना हो और कंजेस्टेड हाउस ना हो। इसमें इन्होंने सिर्फ दो रूम्स दिए हुए हैं, ठीक है, और ये अगर रूम का अगर आप साइज़ देखें काफ़ी कुशादा इन्होंने रूम्स बनाए हैं। इसमें इन्होंने अलमारी वगैरह जो है ना वो भी इसमें रखी हुई है। वाशरूम इन्होंने नीचे इसके अगर देखें लकड़ी का जो काम हुआ है बड़ा अच्छा, इसने अच्छा काम किया हुआ है ये जो है ना। तो और दूसरे इनके वाशरूम अगर आप देखें तो वाशरूम जो है ना वो इंग्लिश स्टाइल के इनके वाशरूम है, काफ़ी इन्होंने अच्छा इसको मेंटेन किया हुआ है। ये इसका एक बेडरूम है और इसके अलावा अगर आप इस रूम को देखें तो इसमें ये भी काफ़ी इन्होंने कुशादा बनाया हुआ है और इसका वाशरूम भी जो है वो एशियन स्टाइल में है। टीवी जो है ना पीछे इसका लॉन्ड्री वगैरह के लिए इन्होंने काफ़ी कुशादा जगह दी हुई है, तकरीबन ऑलमोस्ट ये 4 फीट जगह जो है ना वो इसने छोड़ी हुई है। ये इनका किचन है, किचन में जो है ना प्रॉपर मार्बल का वगैरह का काम हुआ हुआ है, सारा पानी का काम है और काफ़ी इसको जो है ना अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। ये देखें अलमारी वगैरह इसकी सारी आप देख सकते हैं, काफ़ी जो है ना इन्होंने अच्छा हो गया हुआ है। ये साथ में ये भी हैं शेल्फ वगैरह उन्होंने बनाया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने एक और अच्छी चीज़ दी हुई है। यहाँ पे भी आप आराम से ईजीली बाहर भी ओपन एयर जो है ना, अक्सर किचन में देखा गया है कि ओपन एयर के लिए जगह नहीं छोड़ी जाती, तो इन्होंने इस चीज़ का भी काफ़ी ख्याल किया हुआ है। आपको ऊपर वाला पोर्शन दिखाते हैं, ये इसका इनका ड्राइंग रूम है और ड्राइंग रूम और यहाँ पे मेरा लाइट्स का थोड़ा सा रहा इशू। ये देख सकते हैं आप इनका ड्राइंग रूम भी काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे इजीली जो है ना आपके गेस्ट वगैरह, और साथ में ये जो खिड़की का है जो विंडो ने दी हुई है ये बड़ी ज़बरदस्त यहाँ से व्यू इनको मिल सकता है। और यहाँ से आपको अगर फ़र्ज़ करें कोई फैमिली के अलावा भी हो यहाँ से आप सीधा बाहर भी जा सकते हैं, इजीली आप इसको कवर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही प्यारा इन्होंने जो है ना इसका नक्शा है, बहुत लेटेस्ट जो है ना वो अंदाज़ से इसको बनाया गया। अब आपको ऊपर वाला पोर्शन दिखाते हैं, सीढ़ियों पे आप देख रहे होंगे प्रॉपर जो है ना अच्छी इन्होंने टाइल्स इस्तेमाल की हुई हैं। ये इनका ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर इन्होंने एक और चीज़ बड़ी अच्छी दी हुई है कि किचन को इन्होंने ओपन रखा हुआ है। किचन आप देखें अमेरिकन स्टाइल में है, काफ़ी इन्होंने अच्छा जो है ना इसको बनाया हुआ है। सामने आपका ये सारा टी वी लाउंज है और यहाँ पर आप इसको डाइनिंग हॉल भी कह सकते हैं। साथ में इसका ये जो है ना ड्राइंग रूम है, ये इनका ड्राइंग रूम है और काफ़ी ये भी उससे जिसे आपने नीचे देखा सेम उसी तरह का जो है ना वो ड्राइंग रूम इसको बनाया गया। तो ये मतलब काफ़ी इन्होंने अच्छे तरीके से इसको बनाया हुआ है और अच्छा जो है ना इसको मेंटेन किया हुआ है। ये इसका मतलब बाहर देखें, आज मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है तो मैंने सोचा आपको इसकी वीडियो दिखाई जाए। ये इसका टेरिस है, ओपन टेरिस है
काफ़ी ज़बरदस्त इसकी जो है ना वो यहाँ पे व्यू आती है। अगर आप देखें पीछे, अभी इसमें बारिश भी हो रही है और बहुत प्यारा इन्होंने, अक्सर घरों में ना बड़ी कम जगह छोड़ी जाती है टेरेस के लिए, लेकिन इन्होंने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा है। अभी आपको ऊपर दिखाते हैं कि ऊपर जो है ना इनका क्या किस तरह का जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई है। ये इनका छत है और इन्होंने काफ़ी एक और चीज़ दी है कि इसमें जो है ना इन्होंने सर्वेंट होम भी दिया हुआ है। ये आपने मुमटी देखी है और इसके अलावा ये एक अलहदा रूम है, इसके अंदर एक वॉशरूम भी है, ठीक है। एक छोटी फैमिली जो होती है अक्सर सर्वेंट होम आपको नहीं मिल रहा होता, तो उसमें इस चीज़ का भी बड़ा ख्याल किया गया है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। बारिश इस टाइम काफ़ी तेज़ हो गई है, ठीक है, और मैं बस आपको बताता चलूँ कि ये घर है, ठीक है, सिर्फ 3.5 तक इसकी जो है ना CR इसकी डिमांड है, और मौके पे इंशाल्लाह इसको मज़ीद भी डिस्कस किया जाता है, किया जा सकता है। आपको इंशाल्लाह मज़ीद जो है इस बारे में हम डिटेल जितनी भी आपको चाहिए वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। A1 क्वालिटी का बना हुआ है, जितने भी इसमें मटेरियल वगैरह होते हैं जो भी चीज़ें हैं वो इसमें काफ़ी जो है ना उसमें ख्याल रखा गया है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मज़ीद डिटेल के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।